और अब बात करते हैं रीवा जिले के मऊगंज नगर परिषद की, जहां पर राजनीति में शुचिता की बात करने वाला सत्ताधारी दल भाजपा खुलेआम आदर्श आचार संहिता की बखिया उधेड़ रहा है। जबकि चुनाव के दौरान लोक लुभावन घोषणाएं करना तो वर्जित है ही, इसके साथ ही किसी भी सरकारी संपत्ति का उपयोग चुनावी हित साधने के लिए करना भी आचार संहिता के उल्लंघन की श्रेणी में आता है। बावजूद इसके मऊगंज में भाजपा विधायक के पार्टी प्रत्याशियों का केवट समुदाय के साथ पुलिस थाने में या फिर शासकीय शराब की दुकान में धरना व भाजपा प्रत्याशियों के द्वारा सत्ता व प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग करते हुए आदर्श आचार संहिता का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है। एक नहीं कई ऐसी जगहें हैं जहां पर लगे मंत्री सांसद आदि नाम के फोटो के माध्यम से मतदाताओं की मनस्थिति को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने का प्रयास हो रहा है और प्रशासनिक अधिकारी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे। जब खुद प्रशासनिक मशीनरी ही आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन कराने में जुटी हुई है तो फिर अन्य से नियमों के पालन की उम्मीद करना बेमानी लगता है। नगर निकाय के चुनाव में प्रदेश भाजपा सरकार में उसके प्रतिनिधियों और प्रत्याशियों के द्वारा लगातार शासन और प्रशासन का दुरुपयोग और आचार संहिता के खुलेआम उल्लंघन करने का मामला अत्यंत गंभीर है, जहां पर भाजपा प्रत्याशियों ने आदर्श आचार संहिता को ताक पर रखते हुए मऊगंज वार्ड क्रमांक 4 से कांग्रेस प्रत्याशी कृष्णदास चौरसिया दादू ने भाजपा प्रत्याशी वार्ड 5 राजेश गुप्ता पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी के घर जबरन लगाए जा रहे भाजपा प्रत्याशी के पोस्टर और बैनर की शिकायत भी अधिकारियों को फोन के माध्यम से की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कृष्णदास चौरसिया ने बताया कि इसकी रिपोर्ट अब थाने सहित एसडीएम को लिखित में दी जाएगी। तो वहीं मऊगंज वार्ड क्रमांक 4 से भाजपा प्रत्याशी ब्रजेश सोनी के मंदिरों सहित सहकारी छात्रावास की बाउंड्री में भाजपा का चुनाव चिन्ह फ्लैक्स बैनर नगरी निकाय चुनाव में खुलेआम आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन कर रहा है। वार्ड क्रमांक 4 के भाजपा प्रत्याशी के द्वारा चतुर्भुज व स्थित हनुमान मंदिर, वार्ड क्रमांक के शासकीय 4 पंप सहित शासकीय छात्रावास की दीवार एवं बाउंड्री में पोस्टर बैनर के साथ चुनाव चिन्ह भी लिखवाए गए और लगाए गए हैं, जिसकी शिकायत भी छात्रावास अधीक्षक अरुण मिश्रा के द्वारा एसडीएम कार्यालय को भेजी गई है। आपको बता दें कि सत्ताधारी दल के द्वारा मीडिया और समाचार पत्रों में निरंतर ये सामने आ रहा है कि क्षेत्र विशेष के मतदाताओं को चुनाव में प्रभावित करने के उद्देश्य से आचार संहिता के उल्लंघन के संबंध में समय समय पर कांग्रेस पार्टी मीडिया में और निर्वाचन अधिकारी से शिकायत कर रही है, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि राज्य निर्वाचन आयोग ने अधिकांश शिकायतों पर अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की है, जबकि आयोग को स्वयं भी संज्ञान लेकर आदर्श आचरण संहिता के उल्लंघन के मामलों में संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए चुनाव निष्पक्ष एवं स्वतंत्र कराने की कार्रवाई करनी चाहिए। और ऐसे में निष्पक्ष चुनाव की बात करने वाला निर्वाचन आयोग भी सत्ता के दबाव में कार्यकर्ता दिख रहा है, जो कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए घातक सिद्ध हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट 24 न्यूज। क्या नाम है आपका? मंगला द्विवेदी जी। किस वार्ड से हैं आप? 4 वार्ड। ये जो यहाँ चुनाव चिन्ह लगाया गया है, दीवारों में लिखा गया है, क्या आपकी सहमत से लिखा गया है? हम मंदिर में बोले कि सरकारी है, मंदिर मंदिर में मत लिखो। लिख दी, जबरदस्ती लिख दी। क्या बोले? बोले कि हम बोले कि सरकारी है, मंदिर ना लिखो। वो लिख दी। उन्होंने क्या कहा? वो कहे कि हाँ, कुछ भी नहीं फूल बना रहे हैं। नगर पालिका द्वारा कह नगर पालिका ऑर्डर रहे हैं, नगर पालिका ऑर्डर दिए है कमल फूल बनाने के लिए। हाँ, कहें सगले बना। ये जो आपके परिसर में चुनाव चिन्ह और ये सब बने हैं, तो ये क्या आपकी स्वीकृति ली गई? नहीं, नहीं ली गई। किसके द्वारा बनाया गया? भाजपा तो लिखा कमल बना है, पर स्वीकृत नहीं हुआ मुझे ना, कोई पूछे है मुझसे। ऊपर ये होर्डिंग लगी दिखाई दे रही है, फ्लैग लगा दिखाई दे रहा है, ये भी नहीं देखे हमने, कब लगा कब नहीं लगा। आपसे कोई परमिशन? हाँ, कोई नहीं लिया। इसकी शिकायत आपने कहीं किया है? अभी तो नहीं किया, अभी तो देख रहे हैं हम। क्या आप शिकायत करेंगे? कर देंगे एसडीओ साहब को। आप ये मानते हैं कि चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है कि नहीं हुआ है? जो निर्देश थे जी, क्या ये निर्देश थे कि शासकीय भवनों में ये चुनाव चिन्ह लिखा जाए? नहीं, निर्देश नहीं थे। नहीं, इसके बाद भी बना है, तो क्या मानते हैं आप? आचार संहिता का उल्लंघन मानते हैं इसको? इसके एसडीएम साहब को देंगे लिख के। आप लोग आज ज्ञापन सौंपे हैं, चाहिए मुद्दा भाई अनिल तिवारी ने बता दिया है, लेकिन मैं मुद्दा जो है ना, अभी जो पंचायत चुनाव के रिजल्ट आए हैं, पंचायत चुनाव के रिजल्ट को लेकर ये बहुत डरे हुए हैं, क्योंकि गौतम जी के पुत्र चुनाव हार गए,
प्रजापत जी के पुत्र चुनाव हार गए, विधायक जी के जो है पीए जो थे सुभाष, मिस्टर सुभाष, वो तीसरे नंबर में थे, उनकी जिला महिला अध्यक्ष जो मोर्चा की हैं वो भी चुनाव हार गई। इस रिजल्ट को लेकर वो भयानक स्थिति पर डरे हुए हैं, इसी तरह की नाटकबाजी कर रहे हैं और पैसा के चक्कर है, पैसा लेने के चक्कर में लगे हुए हैं। इस क्रम में आपने मनगांव की पूर्व विधायक को नहीं जोड़ा, क्या वजह? नहीं, मनगांव विधायक जो प्रजापत जी बताए ना, प्रजापत जी के पुत्र माननीय विधायक पंचूलाल जी के पुत्र, वो भी चुनाव हारे हैं। इसमें क्या अपेक्षा रखते हैं शासन प्रशासन? हम लोग ये अपेक्षा करते हैं कि ये कार्रवाई करेंगे, लेकिन उम्मीद कम है। अगर कार्रवाई नहीं करेंगे तो जो अनिल भाई ने बताया हम लोग भी यही करने जा रहे हैं। कब से करेंगे अल्टीमेटम? ये अल्टीमेटम यानी परसों से, मतलब आप लोग आर पार की लड़ाई हम लोग लड़ेंगे, हर स्तर की लड़ाई लड़ेंगे। और जहाँ माननीय विधायक जी बैठे हम लोग भी जाके वहीं बैठेंगे। धन्यवाद। क्या वजह है कल से आप कल थाने में धरना दे रहे हैं और आज यहाँ सर आप धरना नहीं दे रहे? थाने में इन महिलाओं के साथ में गया था, ये महिलाएं मेरे घर में आई थी। कल परसों फ़ोन किया तो मैंने कहा मैं बाहर था, और जब सवेरे ये मेरे घर पे आई तो मैंने कहा मैं आ रहा हूँ, और इतनी ही हुजूम के साथ महिलाएं कल मेरे घर में पहुँची थी। इनको लेकर के मैं थाने आया, और इसलिए आया क्योंकि इन्होंने बोला मेरे थाने में कोई सुनवाई नहीं हो रही, किसी का हाथ टूटा, किसी का पैर टूटा, किसी का सर फटा, किसी के हाथ में टांगे लगे, इनने बोला मेरी कोई सुन नहीं रहा। इस कारण से इन महिलाओं के साथ मैं थाने गया था, और थाने में जब गया तो वहाँ पर और लोगों को जो इससे ठेके से संबंधित लोग उनको बुलाया गया, उन्होंने स्वीकार किया कि जिनको मारा गया इन लोगों का कोई अपराध नहीं। इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, और फिर ये हुआ कि जब ऐसी स्थिति है तो ये दुकान बंद होनी चाहिए। दुकान दिन को बंद हो गई, शाम को फिर दुकान खुल गई, और शाम को फिर ये महिलाएं मेरे को फ़ोन लगाई कि भाई आपने बोला था दुकान बंद होने के लिए, सब लोगों ने पुलिस ने बोला था दुकान बंद होने के लिए, शिफ्ट करेंगे, फिर खुल गई। और जब फिर खुल गई तो मेरे को फ़ोन आया, मैंने कहा अभी पानी गिर रहा है मैं सुबह देखूंगा। सुबह फिर महिलाएं मेरे घर पहुंच गई, मैंने कहा आप चलो मैं थोड़ी देर से आता हूँ, आप दिक्कत 8 बजे था दुकान खुली है, मेरे को 8 बजे सूचना मिली, मैंने कहा आप लोग वहीं पहुँचो मैं आता हूँ। ये महिलाएँ यहाँ पहुँची, जब मैं आया तो महिलाएँ थी, और इन्होंने दुकान बंद कराया। इनकी जायज़ मांग, इनका कहना है कि इस दारू की दुकान के कारण यहाँ पर माहौल बर्बाद हो रहा है, लोगों के साथ गुंडागर्दी हो रही है, हमारे घर बर्बाद हो रहे हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी संवेदनशील है, उन्होंने कहा था कि महिलाएं जहाँ पे चाहेंगी वहाँ दुकान नहीं खुलेगी, महिलाओं ने अब विरोध किया है। अब बताइए सबके सामने कह रही हैं, आबकारी के अधिकारियों के सामने कि गोली मार दो तो मार दो, दुकानें नहीं खुलेंगी। तो जनता है इनके साथ, हम खड़े हैं, इनका विरोध है दारू के विरोध में, तो ये महिलाएं कह रही हैं इसलिए हम इनके साथ में खड़े हैं। यही हाल का भी है, तो वहाँ भी अब वो हमारे पास अभी ऐसी कोई जानकारी नहीं आई है वहाँ इस तरह के, आएगी तो हम जनता के साथ में। आप कब तक बैठे रहेंगे? अब ये अधिकारी लोग आ गए, इसका कोई निराकरण करें, क्योंकि जनता और अधिकारियों के बीच में मेरे को ब्रिज का काम करना है, मेरी पब्लिक है, जनता उनका उनकी मांग और उनके दुख सुनना मेरा फर्ज है। आदर्श आचरण संहिता का इससे कोई उल्लंघन नहीं, मैं कोई इनको बुला करके वो नहीं कर रहा हूँ, ना कोई मैं इनको कि यहाँ पर गद्दा लगा करके और टेंट लगा कर माइक लगा करके धरना कर रहा, ऐसा कुछ नहीं है। बैठे सहज रूप से कल थाने में 1.5 घंटे बैठा रहा, तो ये मेरा फर्ज है जनता के लिए, थाने में जाना, तहसील में जाना, वो जा रहा हूँ। कहीं ये आपका जो कदम है तो पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के नक्शे कदम पर तो आप नहीं चल रहे? अब वो ऐसा मैं इसको नहीं मानता, पर ये है कि महिलाएं अगर शराब की दुकान में पत्थरबाजी नहीं, मैं इस शराब की दुकान बंद कराने मैं पत्थरबाजी